स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरठ मैवरिक्स अपने अनोखे मिजाज के साथ उतरेंगे और उनके सामने होंगे कानपुर सुपरस्टार्स जो कहेंगे हम कौन से कम हैं किसी से। मेरठ मैवरिक्स टॉस जीतते हुए और उन्होंने कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे। कानपुर सुपरस्टार्स समीर रिजवी कप्तान शोएब सिद्दीकी आज चाहेंगे कि फॉर्म में आ जाएं। आदर्श सिंह भी, अंकुर मलिक भी नए कप्तान हैं मेरठ मैवरिक्स के। रिंकू सिंह अब उनका दूसरा गेम, पहला जो एग्जामिनेशन था उस परीक्षा में तो अंक 100 में से 100 लाए थे। आदर्श तैयार, रन्स यहां पर पहले। आदर्श अपना पहला रन ले चुके हैं, कानपुर सुपरस्टार्स भी। यहां मिल जाएगा उन्हें अपना पहला रन और पहला चौका भी। आपकी सुन ली इन्होंने, यहां कैच हो सकता है और बिल्कुल होगा, भले गेंद गीली हो कोई संकोच नहीं, उसे आसानी से पकड़ा उस और कैच को कंप्लीट करते हुए पहली सफलता भी दिला दी बासु वत्स को और अपने टीम मेरठ मैवरिक्स को। शोएब सिद्दीकी ने बनाए 6 रन, कानपुर 10 पे 1। शौर्य सिंह, यहां रन मिल सकते हैं, थोड़ा फील्डर को बेटर एफर्ट करना चाहिए था। अच्छे पोजीशन में आ चुके थे इस शॉट के लिए, 1, 2, 3 और 4 भी मिलेंगे। अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अच्छा कनेक्शन है और 6 रन भी मिलेंगे। कनेक्शन बहुत खूब, यहां कैच हो सकते हैं, यहां कैच हो सकते हैं। रिंकू सिंह को पहली विकेट मिलते मिलते रह गई और उसी के साथ साथ चोटिल भी हुए वहां पर फील्डर। कड़क शॉट है, फील्डर के पास कोई चांस नहीं। हवा में थी गेंद, मौका बना था वहां पर, जोशी का पलटवार हो सकता था ये और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। माधव बेहतरीन फील्डर्स में से एक, आज गेंद साबुन लग रही है, फिसलते जा रही है। क्रीज पे डीप चले गए थे, शॉट को बना लिया था और 4 रन प्राप्त कर लेंगे कानपुर सुपरस्टार्स। और अब आवश्यकता है रनों की औसत को और ज्यादा बढ़ाने की और इस बीच एक और बेहतरीन स्ट्रोक आदर्श के बल्ले से और इस तरीके से आदर्श के 50 रन भी पूरे हो गए। निकल कर आए हैं और गेंद को भी कह दिया निकल जाइए आप बाहर। और यहां पर ओ, निश्चित तौर पर फ्लड लाइट उनकी आंखों में आई है। इन खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि हम फ्लड लाइट में खेल रहे हैं तो चश्मा लगा के खेलना चाहिए। बड़ा स्ट्रोक, बहुत ऊंचा गया है और सीमा रेखा के बाहर भी। इस समय टॉप एज, आसान सा कैच और पार्टनरशिप का हुआ अंत। इस विकेट की तलाश लंबे समय से थी लेकिन जिशान ने आखिरकार, बहुत डेंजरस लग रहे थे आदर्श, उनको आउट कर दिया है। आदर्श सिंह 48 बॉल 73 रन 109/2 कानपुर। समीर रिजवी अच्छी फॉर्म में है, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर, कैच कर लिए जाएंगे। विशाल को मिली सफलता और शौर्य भी पवेलियन लौटे। 27 रन शौर्य सिंह कानपुर 109/3। अंकुर है नए बल्लेबाज, बड़ा स्ट्रोक, कनेक्शन बहुत अच्छा है, 6 रन मिलेंगे। चलो आउट हो गया अंकुर। जीशान अंसारी एक और सफलता, एक विकेट वो ले चुके थे, दूसरा विकेट यहां पर उन्होंने अपने नाम कर लिया। अंकुर मलिक ने बनाए 6 रन, कानपुर सुपरस्टार्स 127/4। पर यहां पर लग गया चौका, कॉल है, आउट हो गए। बहुत बड़ा विकेट ये, अच्छी डिलीवरी जीशान की, अटेम्प्ट किया था, लेग स्पिनर डाली थी, रिवोल्यूशन दिया था, घुमाव मिला, उछाल मिला, भारी किनारा मिला और गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में। समीर रिजवी ने बनाए 16 रन, कानपुर सुपरस्टार्स 134/5। मोहसिन खान आए हैं बैटिंग करने के लिए,
बाहरी किनारा लगाया यहां पे, गेंद काफी दूर भी थी और टॉप एज ही हुआ है सिर्फ। खुद कैच पकड़ना पड़ेगा उनको और अच्छा कैच पकड़ा है, पीछे की तरफ भाग के अच्छा कैच पकड़ा जीशान, और इनके नाम चौथी विकेट। क्या ये लीगल डिलीवरी है कि नहीं? ये बहुत ही बारीकी मामला है ये मेरे ख्याल से ये नो बॉल होना चाहिए और मुझे लग रहा है गलती कर गए यहाँ पे। नहीं जी, थर्ड अंपायर का निर्णय है कि आउट है यहाँ पे, जीशान को चौथी विकेट मिल गई यहाँ पे, छठा विकेट गिर गया है। मोहसिन को भी आउट कर दिया है जीशान ने, चार विकेट का हॉल तो ले लिया है और अभी भी वक्त है और भी विकेट लेने का। क्या ये सीजन का नहीं ऑलमोस्ट ये सीजन का पहला 5 विकेट हॉल हो जाता। गिर गया विकेट, मिल गया 5 विकेट हॉल जीशान को। कवर ड्राइव किया था, हवा में था, रिंकू सिंह मौजूद। अगर रिंकू का नाम आ जाए तो फिर सोच लीजिए कि बल्लेबाज को जाना होगा पेविलियन। ओशो ने बनाए 6 रन। स्लाइस कर दिया है इसको, यहां मिल जाएंगे 4 रन। स्लोअर डिलीवरी हवा में और एक और विकेट गिर गया। रिंकू सिंह ने एक और कैच पकड़ लिया है, 8वां विकेट गिरा है, पारी का हो गया है अंत, 152 पर रोक दिया है मीरठ मैवरिक्स के गेंदबाजों ने। लक्ष्य यहां पर रहा है 153 का मीरठ के लिए। ऋषभ राजपूत स्वस्तिक चिकारा 560 रन जड़ चुके हैं, स्ट्राइक रेट 180 छह दूबे स्ट्राइक पर। और मोहसिन शुरू करेंगे एक वेरिएशन के साथ। यहां पर कैच हो सकता है, आ गई पहली सफलता। मोहसिन परख चुके थे कि रफ्तार उतनी नहीं देनी, दुबे को नहीं मिला अच्छा कनेक्शन। अक्षय दुबे शून्य पे आउट हो गए, पहला विकेट खो दिया मेरठ ने शून्य पे। बहुत स्टार बैटर्स हैं इनके पास मेरठ मैवरिक्स में, माधव कौशिक उनमें से एक नाम। पोजीशन में आ गए थे आसानी से, कला है भाई शॉट के अंदर, लेकिन जब ये मारते हैं तो गेंद उड़ती ही रहती है। पकड़ ले तो कहा था, कैसे पूछ रहे हैं वहां पर फील्डर। चार और जोड़ लीजिए, स्वस्तिक चिकारा अब डबल फिगर्स में। यहां पे बढ़िया शॉट खेला है और मिलेंगे 6 रन पूरे। लीजिए बहुत ऊपर, लेकिन जितनी पीछे होनी थी उतनी तो हो ही गई। ये अच्छा शॉट लगाया है, ये तो ऊपर था, ये तो स्लॉट में था। फिर से तैयार स्वास्तिक चिकारा, फिर से बल्ला घुमाया, वहां पर कोई फील्डर नहीं है। यहां पर विकेट मिलना चाहिए, कीपर गया उसके पीछे और कैच पकड़ लिया। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू यहां पर, ऋषभ पहले ही गेंद पर, छोटी गेंद डाली थी, क्रैम्प कर दिया, वेल डायरेक्टेड बाउंसर, गति से मुझे लगा कि बीट किया यहां पर स्वास्तिक चिकारा को। स्वास्तिक चिकारा 13 बॉल 23 रन, मेरुत 49 पे 2। योगेंद्र दोयला के जगह पर ऋतुराज शर्मा, ये धीमी गति की बॉल डाल दी, इसके लिए तो तैयार थे माधव कौशिक। अच्छा शॉट, ये आउट बहुत ही अच्छी बॉल है यहां पे, जिसकी बात कर रहे थे हो सकता है ये वेरिएशन किया उसके पहले, लेकिन ये बॉल फिर से अपने आप को बैक किया और एक बहुत ही बड़ा झटका दिया यहां पे। माधव कौशिक 25 रन बनाकर वापस 54 पर 3 मीरठ। राउंड द स्टंप्स, इस बार आखिर में गजब की बॉल डाली है। ऋतुराज गायकवाड़ शफल करके कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए थे, वो जगह ढूंढ ली और बोल्ड कर दिया ऋतुराज शर्मा को। एक और झटका, बहुत बड़ा विकेट ये भी, 54 पे 4 मेरुत। अब आए हैं कप्तान रिंकू सिंह, गलत गेंद, ये पुअर डिलीवरी डाउन द लेग साइड आसानी से। ना ये तो गेंद काफी दूर, क्या मन बना रखा था पहले से कि हाथ खोलेंगे और सफल भी हुए। अच्छा शॉट ये उवैस अहमद का, हवा में गेंद फील्डर के ऊपर से 4 रन।
अब यहां पर क्या मौका बना है? नहीं, मौका बना जरूर है पर वो बाहर। अच्छा कैच पकड़ लिया गया। इस बार एग्रेसिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश और सफल भी। बड़ा स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। जमीनी यात्रा गेंद की और वो भी बहुत है। रन चाहिए अब 8। सुनी तो थी आपकी लेकिन कनेक्शन नहीं मिली। ओ लेकिन जीवन दान जरूर मिलेगा। लीजिए, तोहफा है तो कबूल लिया। 6 के साथ खत्म किया मैच को। साझेदारी 100 के पार और मीरठ मैवरिक्स 2 ऐसे अंक लेती हुई जिससे आत्मविश्वास के रथ पर सवार पूरी टीम। कानपुर पे दूसरी जीत है ये यूपी की 20 में। समीर रिजवी को अब सोचना पड़ेगा, सोच में डाल चुके हैं समीर को और 2 के 2 मुकाबले जीत चुके हैं मीरठ मैवरिक्स। पहले मैच में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और आज भी कमाल का प्रदर्शन किया। गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी करी, उसके बाद बल्लेबाजों ने, इन दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेवारी ली। 4th विकेट गिर गया था 54 रन पे। 100 रन की साझेदारी हुई थी इन दोनों के बीच में। रिंकू सिंह कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए और शुरुआत से बात कर रहे थे समीर रिजवी की। यहाँ टॉस पे भी उन्हें बातचीत करी, 180-90 रन बनाने पड़ेंगे और शुरुआत मिल गई थी 109 रन पे। वो 2रा विकेट गिरा था लेकिन उसके बाद ये दिन रहा जिशान अंसारी का, जिस तरीके से उन्हें गेंदबाजी करी। पहले आदर्श को आउट किया और उसके बाद बड़ी सफलता समीर रिजवी को चलता किया था। 5 विकेट उनके नाम। क्या गेंदबाजी करी उन्होंने अपनी टीम के लिए, मात्र 26 रन देके। और सिर्फ मेरिट मैवरिक्स 153 रन का टारगेट चेज करने के लिए उतरी थी, 4 विकेट खो दिए थे 54 रन पे। उसके बाद वो 100 रन की साझेदारी हुई दोनों के बीच में, रिंकू और अवेश के बीच में, और मेरठ ने मुकाबला जीत लिया और 2 के 2 मुकाबले जीत लिए हैं।